वैसे तो दुनिया में 57 से अधिक इस्लामिक देश मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 5 ऐसे भी देश हैं जहां मुसलमानों का रहना सख्त मना है। इन देशों में मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है। यहां ना तो कोई मस्जिद है और न ही कोई मदरसा, बल्कि हालात तो यह है कि इन देशों में इस्लाम का प्रचार प्रसार करने पर आपको सजाए मौत भी हो सकती है। दुनिया के 5 बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट में पहला नाम वेटिकन सिटी का आता है। यह दुनिया का अकेला देश है जहाँ एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है। इस देश की स्थापना 1929 में इटली की राजधानी रोम में बीचों बीच की गई थी। इस देश में सिर्फ ईसाई धर्म के लोग के मानने वाले लोग ही रह सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश भी है। इस तरह मक्का शहर में गैर मुस्लिमों का जाना प्रतिबंध है, वैसे ही वेटिकन सिटी में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी है। दुनिया की इस सबसे छोटे देश की आबादी मात्र 800 के करीब है। दुनिया के 5 बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट में दूसरा नाम टोकेलाउ का आता है। इस देश में एक भी मस्जिद और मदरसा मौजूद नहीं है, पर यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 0 के करीब है। इस देश को सबसे छोटी अर्थव्यवस्था वाला देश भी कहा जाता है। टोकेलाउ देश एक छोटे से आइलैंड पर बसा हुआ है और यहाँ की कुल आबादी 1500 के करीब है। वेटिकन सिटी की तरह इस देश में भी मुसलमानों के रहने और बसने पर पूरी तरह से पाबंदी है। टोकेलाउ एक ईसाई बाहुल्य देश है जहाँ पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करने पर आपको सजाए मौत दी जा सकती है। दुनिया के 5 बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट में तीसरा नाम नॉर्थ कोरिया का आता है। यह दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां पर मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों के बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। बीबीसी के मुताबिक उत्तर कोरिया में मुसलमानों की आबादी 3000 के करीब थी, जो अब घटकर 0 हो रही है। इस देश के मुसलमान या तो उत्तर कोरिया छोड़कर बाहर चले गए या फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। उत्तर कोरिया में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। 2013 में ईरान एम्बेसी में एक मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन इसमें नॉर्थ कोरिया के किसी भी इंसान के दाखिल होने पर पाबंदी है। देश के तानाशाह किम जोंग उन नास्तिकता में विश्वास रखते हैं, और यही वजह है कि अगर आप इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हुए पाए जाते हैं तो आपको सजाए मौत दी जा सकती है। दुनिया के 5 बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट में चौथा नाम स्लोवाकिया का आता है। स्लोवाकिया दुनिया का अकेला देश है जहाँ पर एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। यह दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहाँ पर मुसलमान मस्जिद और मदरसों का निर्माण नहीं कर सकते हैं। 19वीं सदी में तक स्लोवाकिया में 200 से अधिक मस्जिदें मौजूद थी, जिसे खिलाफत उस्मानिया के खत्म होने के बाद खंडरों में तब्दील कर दिया गया। मुसलमानों ने स्लोवाकिया में 300 सालों तक हुकूमत की। 2100 सालों तक खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा रहा, लेकिन आज हालात यह है कि यहाँ पर मुसलमान ढूंढने से भी नहीं मिलता। मुसलमानों की दौरी हुकूमत में स्लोवाकिया साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आसमान पर पहुंच गया था। स्लोवाकिया में पहला अस्पताल मुस्लिम शासकों द्वारा 16वीं सदी में बनाया गया था, लेकिन आज उसी स्लोवाकिया में नए मुसलमानों के बसने पर पूरी तरह से पाबंदी है। दुनिया के 5 बिना मुस्लिम आबादी वाले देशों की लिस्ट में पांचवा नाम सोलोमन आइलैंड का आता है। इस देश में 900 से भी अधिक द्वीप मौजूद हैं। सोलोमन आइलैंड की 7,00,000 के करीब आबादी है, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों की आबादी 70 से भी कम है। इतिहासकारों के मुताबिक यह वही मुसलमान है जिन्हें 1995 में तबलीगी जमात ने इस्लाम कबूल करवाया था। आज इस देश में खुलेआम इस्लाम के प्रचार प्रसार करने पर पाबंदी है। सोलोमन आइलैंड में सिर्फ एक छोटी सी मस्जिद है जिसे गिराने के लिए आंदोलन चलते रहते हैं। खबरों के मुताबिक इस देश की ज्यादातर मुस्लिम इस आइलैंड को छोड़कर दूसरे देशों में बस चुके हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 5 बिना मुस्लिम आबादी वाले देश जहाँ मुसलमानों का रहना मना है। आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सलाम वालेकुम।